नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान मुजाहिद मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 नेटवर्क। सीमा महिला मंडली की जानिब से आज उर्दू मस्कन हाल में ख़वातीन से जुड़े कई ऐसे मसाइल पे खुसूसी बातचीत की गई, जैसे कि घरेलू मसाइल, ससुराल वालों की हरासानी, खुला तलाक, हर छोटी बात पर मियाँ बीवी के झगड़े, ये तमाम मसले का हल कैसे निकाला जाए, इन सभी पे खुसूसी बात की गई। इस अवेयरनेस प्रोग्राम में ख़वातीन की कसीर तादाद देखी गई। वाज़ह रहे सीमा खान पुराने शहर में गुज़िश्ता कुछ अरसे से आवाम की खिदमत करती आ रही है, इनकी खिदमत काबिले सताइश है। मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की मोहतरमा रुबीना नफीस फातिमा, सदर सफ़ा सोसाइटी इंडिया, इनके अलावा दीगर महिला मंडल के सुदूर और कारकुन मौजूद थे। पेश है न्यूज़ 5 नेटवर्क की जानिब से एक खुसूसी खबर। ऐसी ही और अहम तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 5 नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज सीमा महिला मंडली का प्रोग्राम था खिलवत पर, और यहाँ पर शरीक हुए, मैं सफ़ा की जानिब से शरीक हुई हूँ, और यहाँ पर आकर अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी बातें जो चल रही हैं वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को लेकर चल रही हैं, ख़ास तौर से औरतों का रिजर्वेशन जो कि स्टेट में है और सेंटर में है उसको लेके बातें हुई हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़, मुसलमान औरतों का क्या रोल है ये सारी चीज़ों में, या तो आप जीडीपी में लें या इकोनॉमिक्स में लें या फाइनेंशियल सिस्टम्स में लें, औरतों का रोल उसमें कहाँ पर है, उसके ताल्लुक से बात हुई है। और इस तरीके के जो भी छोटे तकरीबें हैं, बड़ी तकरीबें हैं, वो होती रहनी चाहिए, सवाल उठते रहने चाहिए ताकि सब लोग जवाबदेह हों कोई चीज़ के। और जब तक हम लोग इश्यूज़ पे और चैलेंजेस पे बात नहीं करेंगे हम लोग पिछड़े ही रहेंगे। जैसा रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो जेन्युइन तरीके से मिलना चाहिए औरतों को, और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ यू नो देर इज़ अ प्रॉक्सी पर्सन हु इज़ रनिंग इट। और मेरे काफ़ी ख्यालात इस पर ये हैं कि अगर औरतों को उनकी काबिलियत पे और उनके काम पे सिलेक्ट किया जाए और उनका ही काम देखना चाहिए, और कम्युनिटी से औरतों को आगे बढ़कर निकलना चाहिए, सामने आना चाहिए। जैसा पॉलिटिकली जब आता है टाइम, यानी लेडीज रिजर्वेशन का सीट, तो उन्हीं में से किसी को चुन लिया जाता है, जो काम करते वो लोग को नहीं चुनते, इसके बारे में आई डोंट थिंक आई शुड कमेंट ऑन दैट। पर औरतों को आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, कि जितना भी काम किए हैं, छोटा सा कम्युनिटी से भी अगर मूवमेंट अगर हो रहा है, औरतें वहीं से निकलेंगी। ग्रास रूट लेवल लीडरशिप पे मेरा 100% भरोसा है, और वहाँ से निकलनी चाहिए लीडरशिप हमारी जो है। किस तरह से इम्प्रूवमेंट आएगा लीडरशिप के लिए, कुछ आप काम कर रहे हैं? लीडरशिप के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली पॉलिटिकल लीडरशिप, हम लोग कम्युनिटी ग्रास रूट लेवल लीडरशिप की बात करते हैं और उस पर काम कर रहे हैं हम लोग।